Hello students of third standard. Today we have started the lesson number 7, our village or our city. We can say this is the heading of your lesson. See that page number 39. See this picture. What does this picture show you? This picture shows you village and the city. So there is a difference between the village and city. अगर हम देखें तो विलेज में क्या होता है, ये सब एक पन्ने पर दिया है और दूसरे पन्ने पर सिटी में जो होता है वो दिया है। देखिए विलेज में बहुत से छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ मार्केट भी बहुत छोटा होता है, वहाँ फार्मर्स होते हैं और जो एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम सिटी में देखें तो एरिया बहुत ही बड़ा होता है, यहाँ बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े रोड्स होते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं। तो यहाँ जो पॉपुलेशन है, अगर हम सिटी में पॉपुलेशन देखें तो सिटी में पॉपुलेशन बहुत ही होता है। तो देखिए हाउसेस अगर हम देखें तो हाउसेस का टाइप विलेज में अलग होता है और सिटीज़ में अलग होता है। ड्रेस अगर हम देखें तो वो ड्रेसेस पे अलग होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मींस अगर हम देखें तो विलेज में बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है या बस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें तो सिटी में कार्स का इस्तेमाल किया जाता है या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ इंडस्ट्रीज़ है, बड़े 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 फैसिलिटीज़ है और यहाँ अगर विलेज में देखें तो कम फैसिलिटीज़ हमें दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट द थिंग्स यू हैव सीन इन द सिटी एंड द विलेज। अगर हम देखें तो विलेज में जो वस्तुएं हैं या अगर देखें तो उसमें जो है वो पार्ट्स अलग अलग दिखते हैं हमें, और यहाँ सिटी में अगर हम देखें तो हमें बहुत से वस्तुएँ अलग अलग हमें यहाँ दिखाई देती है। सी द नेक्स्ट पेज 40 विच देर आर यू कैन से थिंग्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सी क्या दिया है, वहाँ एक छाता दिया है, कैबेज दिया है, एप्पल दिया है, कॉलीफ्लावर दिया है और एक जैकेट दिया है और एक साइकिल दिया गया है। तो ये थिंग्स पिक्चर में अगर हम देखें तो ये थिंग्स हमें किससे प्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये क्या है, थोड़े जो है वेजिटेबल्स है, थोड़े फ्रूट्स है, थोड़े जो छाता है या जो अम्ब्रेला है वो इसके लिए हमने जो कपड़ा इस्तेमाल किया है वो कपड़ा हम कॉटन से तैयार करते हैं, और साइकिल यहाँ दी गई है, ये हम क्या करते हैं, अर्थ से मेटल पाते हैं और इस मेटल से हम क्या करते हैं, इस साइकिल का निर्माण करते हैं। वेयर एल्स कैन दीज थिंग्स बी ऑब्टेन। देखिए इससे ये थिंग्स कहाँ कहाँ ऑब्टेन होते हैं। अगर हम देखें तो जो सब्जी है वो हमें फार्म में मिलती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी फार्म से मिली हुई चीज़ों से ही बनाए गए हैं। विच आर्टिकल्स इन दिस पिक्चर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में कौन से आर्टिकल्स बनाए गए हैं, देखिए जैकेट या अम्ब्रेला या साइकिल, ये जो है ये फैक्ट्री में बनाए गए हैं। वेयर एल्स कैन यू फाइंड दिस आर्टिकल्स। सी वेयर वी कैन नॉट फाइंड दिस आर्टिकल्स एनीवेयर, वी कैन फाइंड देम ओनली ऑन द अर्थ। फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड दिस थिंग्स। अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स हमें खाने के लिए चाहिए, रेन से बचने के लिए हमें छाता चाहिए, कोल्ड से बचने के लिए हमें जैकेट चाहिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए हमें साइकिल चाहिए। तो विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू मूव दिस गुड्स टू अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए वह ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए हम ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लॉरीज का इस्तेमाल करते हैं, हम रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं या कोई बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता है। देखिए ग्रेन्स वेजिटेबल्स मिल्स कम फ्रॉम द विलेज। अगर हम देखें तो
जो ग्रेन्स है या वेजिटेबल्स है, मिल्क्स है, ये हमें कहाँ से मिलता है? विलेज से मिलता है। बाइसिकल, टॉयज, बुक्स जो है वो हमें सिटी से मिलती है। देन फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, सोप, ग्लास, लाइट बल्ब्स, ये सब चीज़ें फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। फैक्ट्रीज जो होते हैं वो सिटी में सिचुएटेड होते हैं या वो सिटी में होते हैं। पीपल लिविंग बोथ इन विलेज एंड सिटीज आर यूज ऑल दिस थिंग्स। अगर देखिए, पीपल्स जो सिटी में भी रहते हैं और विलेज में भी रहते हैं वो इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर दिस नीड्स। देखिए, विलेज के पीपल्स हो या सिटी के पीपल्स हो, ये सभी वस्तुएं पर निर्भर होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर हम देखें तो कौन सी भी चीज़ चाहिए हो तो हम ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन पर ही हमें निर्भर होना होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वस्तु ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ही काम आता है। देन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एज मैन्स नीड इंक्रीज ही इन्वेंटेड मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य की मांगें बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, बहुत से ट्रांसपोर्ट के मीन्स क्या किए हैं, उन्होंने बढ़ाए हैं और या इन्वेंट किए हैं। तो गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स लाइक बुलक्स, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस और डोंकीज। यहाँ देखिए, ये वस्तुएँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम बुलक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिफेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉर्सेस या डोंकीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत से जो बुलक्स कार्ट्स है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉर्स कार्ट्स जो है वो भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। शिप्स हो या ऑटोमोबाइल्स हो, यहाँ भी हम इस ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द ट्रांसपोर्ट बिकम्स फास्टर वेन एवर वी आर यूजिंग सच टाइप्स ऑफ द थिंग्स। देखिए, पेज नंबर 41 पर क्या दिया गया है, बहुत से अलग अलग व्हीकल्स दिए गए हैं, इनमें ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बुलक कार्ट जो है वो रोड पे इस्तेमाल किया जाता है, बोट जो है वो वाटर में इस्तेमाल की जाती है, रेलवे जो है वो रेल रोड्स पर इस्तेमाल की जाती है, या ट्रक्स जो है या बसेस जो है वो रोड्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एरोप्लेन आकाश में उड़ता है। तो देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है ये विलेजेस और सिटीज़ में हमें दिखाई देते हैं। तो बहुत से ऐसे फैसिलिटीज़ है जो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। तो यहाँ से हम बहुत से चीज़ों का ध्यान ले सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है, एक मैप दिया गया है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, मेजर रोड्स, रेलवेज एंड फेमस प्लेसेस। तो यहाँ पुणे बेंगलुरु जो नेशनल हाईवे है, इनका इस डिस्ट्रिक्ट में जो रोड है उसका यहाँ मैप दिया गया है। फेमस प्लेसेस जैसे कि कोल्हापुर, मिरज, सांगली रेलवे, इसको देखें तो यहाँ रूट दिया गया है। कलर देयर सिंबल्स, इसको सिंबल्स कलर करना है। फाइंड द प्लेसेस विथ फोर्ट्स इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड कलर देयर सिंबल्स। यहाँ जो किले हैं अपने एरिया में उनको पहचान कर उसको भी कलर करना है। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द मैप ऑफ अ सेंचुरीज इन योर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंचुरीज हो तो भी उसका क्या करना चाहिए, मार्किंग करना चाहिए। व्हाट इज ग्रैंडफादर रीडिंग। देखिए, यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, ग्रैंडफादर एक
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. व्हाट इज ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन. ताई क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कोई इंफॉर्मेशन निकाल रही है. व्हाट इज ग्रैंड मदर वॉचिंग, ग्रैंड मदर क्या कर रही है, वो वेजिटेबल्स को देख रही है. इसके बाद दादा इज लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. व्हाट हैज ही पुट इन टू द ईयर्स ड्यू टू डू दिस, उन्होंने क्या किया है, माइक्रोफोन जो है वो अपने कान में डाला है. व्हाट इज फादर यूजिंग टू स्पीक टू समवन, देखिए फादर किसी से बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, मोबाइल का यूज करके वो दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं. हाउ इज इट एट द सॉरी हु इज इट एट द डोर, अगर डोर को हम देखें तो वहाँ एक पोस्टमैन है और वो क्या कर रहा है, लेटर दे रहा है मदर को और मदर से बातचीत कर रहा है. तो ये सब जो कॉमनली यूज थिंग्स है जैसे कि लेटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर, टीवी, म्यूजिक प्लेयर, ये सभी कॉमन थिंग्स हो गए हैं. तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर यूज टू मीन्स टू सेंड एंड टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेज. तो ये सब थिंग्स जो है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या हम मैसेज इससे सुन सकते हैं. ऑल दीज आर द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, देखिए इससे ये अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इससे हम किसी से भी संवाद कर सकते हैं, किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, कोई और वस्तु हो तो उससे इंफॉर्मेशन हम पा सकते हैं. देखिए मैन यूजेस लैंग्वेज टू टॉक ईच अदर एंड कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अदर पीपल, देखिए क्या कर सकते हैं, मनुष्य जो है वो एक दूसरे को समझने के लिए क्या करता है, भाषा का उपयोग करता है और वो एक दूसरे से बातचीत करता है. तो इसके लिए उसको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और डिफरेंट रीजन्स में जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस डिफरेंट है. तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो प्रोनाउंसिएशन भी अपने आप में बहुत ही अलग है. तो ये जो एग्जाम्पल देखिए, अहिरणी, मालवनी, वराड़ी, सो दीज आर यू कैन से मराठी लैंग्वेज, बट मराठी इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ द यू कैन से महाराष्ट्र. डू यू नो इन ओल्डन डेज अगर हम देखें तो मैसेजेस सेंड करने के लिए हम कबूतर का इस्तेमाल करते थे. इंफॉर्मेशन देने के लिए डिफरेंट मीन्स उस टाइम नहीं थे तो उस टाइम सिर्फ कबूतर थे और कबूतर से ही ये मैसेजेस उनको उनके पाँव को एक चिट्ठी या लेटर उनके गले में डाल दिया जाता था और उससे वो कबूतर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वैसे ही मैसेज उनको मिलता था. एक पेपर और क्लॉथ उसको टाइप किया करते थे. तो देखिए सर्विसेज लाइक मोबाइल फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर्स आर नॉट अवेलेबल इन एरिया वेयर रोमन एंड रूपाली लिव, दे नीड टू सेंड अ मैसेज टू देयर रिलेटिव्स इन द अदर टाउन. हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड देयर मैसेज, सी यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस.